रेशम एक प्राकृतिक फाइबर है जो रेशम के कीड़ों द्वारा निर्मित होता है। रेशम कीट जंगली प्रजाति के होते हैं। भारत में इनका प्राकृतिक आवास उप आद्र वनों में होता है, क्योंकि वहां पर इनके भोजन एवं खाद्य पौधों की मात्रा बहुतायात में उपलब्ध है। झारखंड राज्य में रेशम उत्पादन किसानों, विशेषकर महिला किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जुड़ी महिला किसानों की मेहनत और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के प्रयासों की बदौलत आज झारखंड रेशम उत्पादन में सर्वोच्च स्थान पर पहुंच चुका है। उच्च कोटि रेशम का उत्पादन तसर के बीज या अंडों की श्रेष्ठता पर ही निर्भर करता है, इसलिए स्वस्थ और अच्छी गुणवत्ता के बीज या अंडों को तैयार करना रेशम उत्पादन की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया बन जाती है। स्वस्थ और अच्छी गुणवत्ता के तसर अंडों को तैयार करने के लिए एक आदर्श बीजागार के निर्माण की आवश्यकता होती है। बीजागार वह स्थान या घर होता है जहां बीज कोषों को वैज्ञानिक ढंग से सुरक्षित रखा जाता है तथा वैज्ञानिक विधि से रोग मुक्त अंडा तैयार करके कीट पालक को उपलब्ध कराया जाता है। तसर के व्यावसायिक बीज या अंडा उत्पादन के लिए कच्चे बीजागार भवन की आवश्यकता होती है। व्यावसायिक बीज उत्पादन के लिए आदर्श समय मानसून के बाद सितंबर से लेकर नवंबर महीने तक होता है। चूंकि व्यावसायिक बीज उत्पादन इकाई की स्थापना लंबी समय अवधि के लिए नहीं की जाती, इसलिए बुनियादी बीज उत्पादन इकाई की तुलना में इनका प्रबंधन काफी सरल होता है। व्यावसायिक बीज उत्पादन इकाई के लिए एक आदर्श बीजागार भवन को सुरक्षित एवं छायादार जगह पर बनाया जा सकता है। इस भवन की लंबाई 20 फुट, चौड़ाई 15 फुट और ऊंचाई 12 फुट और भवन की छत दोनों तरफ ढलान वाली एवं पुआल की बनी हुई और बांस के अस्थाई ढांचे पर टिकी रहनी चाहिए। इस बीजागार भवन को ग्रीन शेड जाली से चारों तरफ से घेर दिया जाता है। बीजागार भवन के फर्श को आसानी से साफ सफाई करने के लिए फर्श पर मोरम डालकर जमीन से 3 इंच ऊपर रखना आवश्यक होता है। बीजागार भवन और उसके आसपास साफ सफाई का होना अनिवार्य है। बीजागार भवन के आसपास के स्थान को कीटाणु रहित बनाने के लिए 5% ब्लीचिंग पाउडर के घोल का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। बीजागार में बीज कोषों के संग्रहण के दौरान ध्यान दें कि रोगग्रस्त, कमजोर और क्षतिग्रस्त कोषे बीजागार में ना आने पाएं। बीज कोषा कटा हुआ, कमजोर, धब्बेदार ना हो, इसके लिए किसान उन्हें देख छू कर उनका चयन कर सकते हैं। बीजागार में मादा तितली और नर तितली का अनुपात 60-40 रखना चाहिए। बीजागार में कोसों को लाने का सही समय सुबह या शाम होता है, ताकि उन पर तेज धूप या मौसम का कोई विपरीत असर ना पड़े। बीजागार भवन में बीज कोसों का संरक्षण उनकी माला बनाकर बांस के ढांचे पर लटका कर करना चाहिए। बीज कोसों की मालाओं को लटकाते समय उनकी 2 पंक्तियों के बीच की दूरी 1.5 फीट, मालाओं के बीच की दूरी 9 इंच तथा माला में कोसों के गुच्छे के बीच की दूरी 3 इंच होनी चाहिए। बीज कोसों की प्रत्येक माला में सामान्यतः 100 कोसों को 20 गुच्छों में बांध कर रखा जाता है और एक गुच्छे में 5 कोसे होते हैं। तितलियों के निकलने के लिए बीजागार में 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान व 70% से अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। सामान्यतः बीज कोसों से तितलियों के निकलने का समय शाम के 6 बजे से रात 11 बजे के बीच होता है। सही वातावरण होने पर 50-90% मादा तितलियों का जोड़ सफलतापूर्वक पहले दिन ही प्राप्त हो जाता है। एक साधारण मादा तितली अपने जीवन चक्र में 200 से 250 अंडे दे देती है।
तितलियां 72 घंटे के अंदर 80% अंडे दे देती हैं, जो कीट पालन के लिए उपयुक्त होता है। अंड जनन के लिए तितलियों को छिद्रों वाले प्लास्टिक के कप या कपटी की सतह पर कागज की 2 परत बिछाकर रखना चाहिए, ताकि यह कागज तितली के मूत्र को सोख ले और अंडों पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। एक कपटी में 1 तितली को ही रखना चाहिए। कपटी में छिद्र हवा के संचार के लिए बने होते हैं, इसलिए ध्यान रखें कि ये छिद्र बंद ना हो। अंड जनन के लिए इन कपटियों को 5-5 कपटी की ताक में रबड़ से बांध कर रखना चाहिए। मादा तितली को अंडे देने के लिए बीजागार घर में कुछ दूरी पर रखना चाहिए, जिससे दूसरी तितलियों के पंखों से संक्रमण ना फैले। आमतौर पर तितलियां शाम 4 बजे से रात 8 बजे के बीच अधिकतम अंडे देती हैं। अंडा देने के 72 घंटे तक माइक्रोस्कोप द्वारा तितलियों में पेब्रिन बीजाणु की जांच और परीक्षण कर लेना चाहिए। परीक्षण स्थल बीजागार भवन से कम 10 से 15 फुट की दूरी पर ही होना चाहिए। अंड जनन के पश्चात कपटियों को एक छायादार स्थान पर रखकर उनकी छटाई करनी चाहिए। छटाई में मरी हुई या कम अंडा देने वाली तितलियों को और 100 से अधिक अंडा देने वाली तितलियों को अलग अलग प्लास्टिक बाल्टी में रखना चाहिए। तत्पश्चात माइक्रोस्कोप के माध्यम से 100 से अधिक अंडा देने वाली तितलियों की जांच करनी चाहिए। जांच से पहले टेस्टिंग टेबल पर साफ सुथरा पेपर बिछाकर माइक्रोस्कोप, टिश्यू पेपर, पोटाशियम कार्बोनेट का घोल, कवर स्लिप, पानी, फार्मेलिन का घोल आदि की व्यवस्था कर लें। उसके बाद एक एक तितली के शरीर से कुछ अंश को निकालें और एक साफ स्लाइड पर 1 बूंद पोटाशियम कार्बोनेट का घोल रखकर इस अंश को उस घोल के साथ मिलाकर स्लाइड पर रगड़ें। माइक्रोस्कोप द्वारा देखने पर तितली में पेब्रिन बीजाणु का आकार छोटे चावल के दाने के समान दिखाई देता है। यदि तितलियों में पेब्रिन से ग्रस्त होने की स्थिति का पता चल जाए तो उनके सारे अंडों को जमीन में गाड़कर या जलाकर नष्ट कर देना चाहिए, ताकि ये बीजाणु फैल ना पाए। तितलियों की जांच के बाद रोगाणु मुक्त अंडों को एक जगह जमा कर धोने की तैयारी शुरू करें। इस क्रिया में सबसे पहले अंडों से कचरे को अलग कर साफ किया जाता है और फिर इन साफ अंडों को 1 मीटर मच्छरदानी या नायलॉन के कपड़े में बांधकर धुलाई एवं रोगाणु मुक्त करने के लिए रख लिया जाता है। अंडों की धुलाई के लिए 1 लीटर पानी में 50 मिलीलीटर डेपुराटेक्स का घोल बनाकर नायलॉन बैग में रखे गए अंडों को डुबोकर तब तक धीरे धीरे रगड़ना चाहिए जब तक कि अंडों से चिपचिपा पदार्थ पूरी तरह से साफ ना हो जाए। अंडों की अच्छी तरह से धुलाई एवं रोगाणु मुक्त करने के बाद किसी साफ समतल एवं छायादार स्थान पर अंडों को ब्लॉटिंग पेपर या अखबार के ऊपर एक पतली परत में फैलाकर सूखने के लिए छोड़ देना चाहिए। अच्छी तरह सूखने के बाद अंडों का वनज करके रखना अति आवश्यक है, ताकि उस दिन बने हुए अंडों की संख्या या वजन की जानकारी के आधार पर अंडों की आपूर्ति की योजना बनाई जा सके। 200 ग्राम या 300 मिलीलीटर अंडे 100 DFL अर्थात 1 पैकेट के बराबर होते हैं। अंडों के वितरण के लिए 8 इंच लंबी और 5 इंच चौड़ी एक सूती थैली में 100 DFL पैक करने चाहिए। थैली के ऊपर अंडों की प्रजाति, जोड़ लगने की तिथि, अंड जनन की तिथि और DFL की संख्या अवश्य लिखनी चाहिए। अंडों के परिवहन के लिए विशेष रूप से तैयार अंड परिवहन बास्केट का ही उपयोग करना चाहिए, ताकि परिवहन के दौरान आवश्यक तापमान एवं आर्द्रता बनी रहे। अंड जनन के 4 से 7 दिन के अंदर
अंडों की आपूर्ति कर देनी चाहिए। अंडों के परिवहन के लिए प्रातःकाल एवं शाम का समय उपयुक्त होता है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज या अंडों को प्राप्त करने के लिए ये सभी छोटे मगर कारगर उपाय हैं। और यदि अंडा उत्पादक इन्हें सही प्रकार से अपनाए तो न सिर्फ उन्हें अधिक और उच्च श्रेणी वाले तसर बीज प्राप्त होंगे बल्कि निश्चित रूप से अधिक लाभ भी प्राप्त होगा।